Good morning, bachcho. I am Santosh Srivastava from Super 60 Education. Today it is my fifth session of editorial reading, and I hope you are certainly getting profit from it. Actually, ये आपका editorial है पांचवा session, और इसके पहले जो चार session आपको दिए जा चुके हैं, तो निश्चित ही आपको ये पता चल गया होगा कि एडिटोरियल पढ़ने के बहुत बहुत फायदे हैं। एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि सर क्या ये सीजीएल में हमारे काम आएगा, तो आप जानिए कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इंग्लिश में आपको देना हो और उसमें एडिटोरियल रीडिंग आपके काम ना आए, हर हाल में काम आएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज इसमें मिलेगी आपको, चाहे वो कॉमन एरर से संबंधित चीज हो, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से संबंधित चीज हो, चाहे वो प्रीपोजिशन फिलर्स वगैरह हो, कंजंक्शन से संबंधित चीजें हो, वो कैब टोटल आपको मिल जाएगी, वो भी द हिंदू के वो कैब तो हर एक एग्जाम में करीब करीब आपके काम आ जाते हैं, स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स में। तो यानी अगर आप इसको रीडिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हर एक क्षेत्र में आपको लाभ होना है, ठीक है। तो क्राइटेरिया आपको पता होगा किस तरीके से हमको चलना है। ये हमारे सामने पैसेजेस हैं जो हमें पढ़ते जाना है, समझना है अच्छे तरीके से विद वर्ड्स, और ये वो सारे आंसर्स हैं जो पिछले सेशन में चौथे सेशन में मैंने दिए हुए थे, 15 कॉमन एरर्स, तो उनके आंसर्स मैंने नहीं बताए थे। ये सारे आंसर्स हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसे मिला लीजिएगा, और मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे जितने भी कॉमन एरर्स इसमें, हर एक सेट में मैंने 15 दिए हैं, तो जितने भी दिए जा रहे हैं वो जरूर करें आप, ठीक है। अगर आपकी दिक्कतें आती हैं तो मेरे से शेयर करें आप कि इस क्वेश्चन में आपकी दिक्कत है, तो मैं निश्चित ही आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरा टारगेट केवल ये नहीं है कि हम एडिटोरियल पढ़ें, मेरा टारगेट ये भी है कि हम इसके थ्रू जो हमारे एग्जाम्स में हमें एडवांटेज मिल सकता है वो भी हम लें, निश्चित ही लें, हर लेवल पर इसका हम यूटिलाइज करें, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स हैं जो देख लें, इसके आगे देखिए ये 15 कॉमन एरर्स फिर से मैंने आपको दिए, इसमें हर एक चीज आपको मैच करेगी, हर एक चीज मिलेगी जो आपके काम में आए। ये 15 है आपके पास, और फिर इनके बाद ये 37 वर्ड्स जो किसी भी कंपटीशन में काम आ सकते हैं, इन्हें तैयार करें आप। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट 20 वर्ड्स हैं वो मैंने हर एक चीज के साथ, इसके देखिए वर्ड है, मीनिंग्स है, फिर इंग्लिश में मीनिंग है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, और एग्जाम्पल हेड का, ठीक है, हर एक में मैंने आपको दिया है। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं और फिर पैसेज पे आते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारे सामने, देख रहे होंगे आप, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मीन्स होता है कोई झुकाव, कोई लगाव, किसी चीज की तरफ अगर आपका मन ज्यादा लगता है तो आपके अंदर एक प्रकार की प्रोपेंसिटी उत्पन्न हो रही है। दूसरा वर्ड है कॉन्फर, जब कोई किसी को कोई चीज प्रदान करता है, स्पेशली कोई आनर के रूप में, सम्मान के रूप में, तो वो उसे कॉन्फर करता है, कॉन्फर मीन्स प्रदान करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इवोक। इवोक देख रहे होंगे आप, इवोक मीन्स जागृत करना, आवाहन करना होता है। अगर आपके अंदर कोई फीलिंग जागृत हो रही है तो आप वो फीलिंग आपके अंदर इवोक हो रही है, जागृत हो रही है। कैच समवन ऑफ गार्ड, किसी को इतना आश्चर्यचकित कर देना कि वो उलझ के रह जाए, समझ न पाए कि क्या हुआ है, तो आपने उसे कैच ऑफ गार्ड कर दिया, मीन्स उलझा दिया आपने, वो समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास पोस्ट ह्यूमस। इस वर्ड को ध्यान से देखें, पोस्ट है और ह्यूमस है, पोस्ट में समझते होंगे बात में, ये दो अर्थों में प्रयोग होता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो बहुत बार ये दिया गया। जैसे कोई बच्चा है अपने फादर की डेथ के बाद पैदा होता है तो उस बच्चे को हम पोस्ट ह्यूमस कहते हैं, या फिर कोई कृति है, कोई रचना है किसी की, लेकिन राइटर जो है उसे प्रकाशित नहीं करा पाया और उसके मरने के बाद वो रचना प्रकाशित हो रही है, तो वह रचना पोस्ट ह्यूमस कहलाती है, यानी पोस्ट ह्यूमस मरणोपरांत। नेक्स्ट वर्ड आपका है फीवर। आप समझते होंगे फीवर से बना है, बहुत बार इंसान इतना बेचैन हो जाता है, इतना व्यग्र हो जाता है, उसका शरीर तपने लगता है, गर्म हो जाता है, दिस इज फीवर, बेचैन, व्यग्र किसी चीज के लिए। नेक्स्ट वर्ड्स है आपके बिम्यूज्ड। बिम्यूज्ड मीन्स किसी को अस्तब्ध कर देना, हक्का बक्का कर देना, सरप्राइज कर देना, ये बिम्यूज्ड है आपका। नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रेस। जानते होंगे हम किसी का आलिंगन करते हैं, किसी को गले लगाते हैं, किसी चीज को अपनाते हैं तो हम उसे एम्ब्रेस करते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है थ्वार्ट। जब कोई योजना हो आपकी और वो योजना नाकाम कर दी जाए तो आपकी योजना जो है थ्वार्ट कर दी गई, मीन्स उसे कहीं कहीं साथ बाधा डाल दी गई। तो थ्वार्ट नाकाम कर देना, मीन्स प्रिवेंट कर देना किसी योजना को। नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्यूलेशन। आप समझते हैं स्पेक्यूलेट मीन्स विचार करना, परिकल्पना करना, किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना, सोचना। तो एक नाउन बना दिया गया स्पेक्यूलेशन, मीन्स अटकलें, परिकल्पना, हमारी कोई सोच स्पेक्यूलेशन होती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजॉल्व। रिजॉल्व मीन्स किसी चीज का समाधान निकालना। रिजॉल्व मीन्स वैसे तय कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना भी होता है, तो यहां समाधान निकालना। नेक्स्ट वर्ड है इंटीग्रल। किसी चीज का कोई इंट्रिंसिक पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, मीन्स उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है, वो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, मीन्स अभिन्न, अनिवार्य हिस्सा किसी चीज का। नेक्स्ट वर्ड्स है आपके वेनरेशन। आपके लाइफ के सबसे अच्छे वर्ड्स में से हो सकते हैं। जब किसी के प्रति आपके मन में सच्ची श्रद्धा होती है, आदर होता है, सम्मान होता है, तो आप उसे वेनरेट करते हैं, अर्थात आपके मन में वेनरेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइव। स्ट्राइव एक पॉजिटिव वर्ड है एक्चुअली। जब आप अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, किसी चीज से उबरने के लिए आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तो आप स्ट्राइव कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है आपका परसुएट, अनुसरण। किसी चीज को जब आप फॉलो करने लगते हैं तो आप उसे परसुएट करने लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एसर्शन। आप समझते हैं एसर्ट मीन्स दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना होता है, उसी का नाउन फॉर्म है assertion, स्वीकारोक्ति या दृढ़ वचन, दृढ़ वाक्य। नेक्स्ट वर्ड्स है आपके पास एलीट, मीन समाज का उत्कृष्ट भाग, जिसने कहते हैं हमारा एलीट पैनल है, मीन्स ये उत्कृष्ट हिस्सा है, उत्कृष्ट लोग हैं, तो एलीट मीन समाज का कोई उत्कृष्ट भाग, उत्कृष्ट लोगों के सेंस में भी। आप अगर आपको याद हो आईसीसी का एक पैनल है अंपायरों का, उसे हम एलीट पैनल कहते हैं, यानी सबसे जो अच्छे अंपायर्स होते हैं वो एलीट कहलाते हैं। नेक्स्ट है सैनिकल। समझते हैं सैनिकल में निंदक होता है, जो हमेशा दूसरों की निंदा करता रहता है, दूसरों के साथ रूखा व्यवहार करता है, सनकियों जैसा व्यवहार करता है, वो सैनिकल होता है। और लास्ट वर्ड्स आपके पास है क्लैमर। क्लैमर आपको याद हो, क्लैमर में कोलाहल होता है, शोर होता है, इसी से क्लैमरस बना है, शोर करने वाले। और पार्टीशन कौन होता है, जो किसी का पक्ष लेता है, मीन्स किसी के पक्ष में बोलता है, वो पार्टीशन होता है, पक्षधर होता है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जरूर मेहनत करें इन पे। चलिए वापस लौटते हैं और फिर से मैं रिमाइंड करा दूं आपको कि जो पिछले सेशन में 15 आपको कॉमन एरर्स दिए गए थे, उन 15 कॉमन एरर्स के सारे मैंने आंसर्स दिए, जरूर मिला लें। फोर्थ सेशन में जाए, वहां देख लें बीच में कॉमन एरर्स होंगे, उन्हें सॉल्व करें और फिर यहां मिला लें कि ये है। अगर उसके बावजूद आपके प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेशन अपना, 5वां सेशन, जिसमें आप ये समझेंगे कि किस चीज पर ये दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग है आपके आज के सेशन के, फॉर ऑनर्स शेक। समझते होंगे फॉर ऑनर्स शेक, जिसे हम कहते हैं आई कैन डाई फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री, मीन फॉर माई नेशन शेक, यानी मैं अपने देश के लिए जान दे सकता हूं, सेक्रीफाइस कर सकता हूं। तो फॉर ऑनर्स सेक, यानी सम्मान के लिए, कौन सा सम्मान, ऑन द भारत रत्न अवार्ड्स, यानी पूरा एडिटोरियल आपका भारत रत्न अवार्ड पे है, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार होता है वो दिया जाता है आपको, ईश्वर करे आप भी पाए। तो फॉर ऑनर्स सेक ऑन द भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। इन एन आइडियल वॉर, आइडिया समझते होंगे आदर्श, एक आदर्श संसार में द भारत रत्न अवार्ड्स, जो भारत रत्न अवार्ड्स हैं, वुड बी फ्री, इन्हें क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए फ्रॉम पॉलिटिकल कंसीडरेशंस। पॉलिटिकल समझते होंगे राजनीतिक, कंसीडरेशंस में सोच, मंशा या महत्वाकांक्षा, यानी राजनीतिक सोच से, राजनीतिक मंशा से यह जो पुरस्कार है भारत रत्न के, इन्हें वुड बी फ्री फ्रॉम, क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। लेखक ही मानता है कि जब आप किसी को भारत रत्न अवार्ड दे रहे हो तो निश्चित ही उसमें आपका राजनीतिक पहलू नहीं आना चाहिए, उसके किए गए कार्यों के आधार पे, उत्कृष्ट कार्यों के आधार पे ही दिया जाना चाहिए, न कि आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि उसने आपकी पार्टी के पक्ष में कार्य किया है या आपके पक्ष में काम किया है, इसलिए आप दे रहे हो, इसलिए न दें उसे आप। यानी लेखक ये पूरे
जो एडिटोरियल को लिखा उन्होंने, वो यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक पहलू आपके शामिल नहीं होने चाहिए व्हेन यू आर डिसाइडिंग फॉर द भारत रत्न अवार्ड्स, यानी जब आप इनके लिए तय कर रहे हो तो फिर इन चीजों से मुक्त रहना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। इट इज इन द नेचर ऑफ आवर पॉलिटी, पॉलिटी समझते हैं राजनीति, हमारी सरकार से संबंधित जो चीजें होती हैं, तो इट इज इन द नेचर ऑफ आवर पॉलिटी, यानी ये हमारी राजनीति के स्वभाव में है। ठीक है, टू यूज, कि हम प्रयोग करते हैं एनी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अवसर, पॉसिबल जो भी संभव, यानी हर एक संभव अपॉर्चुनिटी को, अवसर का हम उपयोग कर लेते हैं फॉर पॉलिटिकल सिग्नलिंग, पॉलिटिकल राजनीतिक सिग्नलिंग संकेत, यानी कहीं कहीं हम राजनीतिक संदेश देने के लिए, राजनीतिक मैसेज देने के लिए, राजनीतिक सिग्नल देने के लिए हम हर एक पॉसिबल अपॉर्चुनिटी का उपयोग कर लेते हैं। इट इज द नेचर ऑफ आवर पॉलिटी, और यही हमारी राजनीति का क्या है, स्वभाव है, यानी हमारे राजनीति का स्वभाव यही है कि कोई भी अवसर हमें मिले हम उसे जाने नहीं देना चाहते, हम उसका जितना पॉलिटिकल सिग्नलिंग यानी जितना राजनीतिक फायदा हम ले सकते हो हम लेने की कोशिश करते हैं। एंड और द भारत रत्न द नेशंस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर एंड द भारत रत्न, देखिए पुरस्कार है तो इसके पहले क्या लगा है, द स्पेसिफाई कर दिया गया, एंड द भारत रत्न, और ये जो भारत रत्न है द नेशंस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था ना ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, यहां देखिए ध्यान से द नेशंस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, आपको हो सकता है यहां पे हाईएस्ट के बदले हायर दे दिया जाए, तो नहीं हुआ ना, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, तो करें कि द भारत रत्न द नेशंस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, वो भारत रत्न हैज नॉट बीन स्पेयर्ड, वो भारत रत्न भी बचा नहीं रह पाया है फ्रॉम दिस प्रोपेंसिटी, इस प्रकार के झुकाव से, इस प्रकार के लगाव से, कौन से लगाव से, ये जो पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार के द्वारा भी अब कोई पार्टी पॉलिटिकल सिग्नलिंग करने लगी, मींस पॉलिटिकल सिग्नल देने लगी है, राजनीतिक संकेत देने लगी है कि हाँ हमने इनको दिया क्योंकि ये हमारे काम आए। ठीक है, प्रोपेंशिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपका झुकाव किसी चीज की तरफ, अगर आपका लगाव बढ़ रहा है तो आपके अंदर एक प्रोपेंशिटी बढ़ रही है। ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस, यानी जो आइडियोलॉजिकल वैचारिक या विचारधारा से संबंधित, तो हमारी जो आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस है, हमारी जो विचारधारा से संबंधित सोचे नहीं है, हैव इन्फ्लुएंस्ड, इन्होंने प्रभावित किया, यानी वैचारिक जो सोच रही है उसने प्रभावित किया है द च्वाइसेस, कब किस चीज को, जब भारत रत्न के पुरस्कार के लिए च्वाइसेस चुनाव किए जा रहे हैं, यानी जब भारत रत्न पुरस्कार के लिए चुनाव किए जा रहे हो या होते हैं तो आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस हैव इन्फ्लुएंस्ड, तो हमारी जो वैचारिक सोच होती है कहीं कहीं उसने हम पर क्या डाला है, अपना प्रभाव डाला है, यानी हम जिस राजनीतिक सोच के रहते हैं उसी प्रकार की राजनीतिक सोच के रखने वाले लोगों को हम प्रेफरेंस देने लगते हैं भारत रत्न का अवार्ड देते समय। ठीक, वाइल एक तरफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स डिसीजन, ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार का जो निर्णय है, देखिए द लगा है, ये द नरेंद्र मोदी ने नहीं लगाया, ये डिसीजन के लिए लगा, स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, एक तरफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स डिसीजन, एक तरफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो निर्णय है, क्या निर्णय, टू कॉन्फर द भारत रत्न, कि भारत रत्न प्रदान करना, कॉन्फर मीन्स प्रदान करना, जो पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं वो कॉन्फर किए जाते हैं, ईश्वर ने हमें जो दिया होता है, जो नवाजा होता है, उसने हमें इंडो किया होता है। ठीक है, तो एक तरफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स डिसीजन, नरेंद्र मोदी सरकार का जो निर्णय है टू कॉन्फर द भारत रत्न ऑन द लेट असमीज सिंगर भूपेन हजारिका, किसको भारत रत्न देने का निर्णय, वो निर्णय जिसमें वो
आसाम के गायक भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का निर्णय किया गया। ये हजारिका कौन है? हु कंटेस्टेड, कंटेस्ट मीन्स दो होते हैं, कंटेस्ट मीन्स विरोध करना भी होता है और कंटेस्ट मीन्स चुनाव लड़ना भी होता है, तो यहां चुनाव लड़ने के सेंस में हु कंटेस्टेड, जो चुनाव लड़े थे ऑन द बीजेपी टिकट, किस पर? बीजेपी के टिकट पर इन द 2004 लोकसभा इलेक्शन, यानी लोकसभा इलेक्शन 2004 में इन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। अब आप समझ सकते हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, तो कहीं कहीं कहा जाएगा कि उनकी अपनी सोच से मिलते जुलते जो लोग थे उनको दिया गया। एंड और द लेट नानाजी देशमुख, और लेट नाना, लेट में स्वर्गीय, लेट नानाजी देशमुख अ भारतीय जन संघ लीडर, ये जो स्वर्गीय नानाजी देशमुख हैं, जो भारतीय जन संघ के नेता थे एंड सोशल एक्टिविस्ट और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इन दोनों दोनों लोगों को जो भारत रत्न देने का ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय है, अब यहां पे वर्ड देखिए आ रही है, वो निर्णय इवोक्ड लिटिल सरप्राइज, इसने बहुत न के बराबर आश्चर्य उत्पन्न किया। क्यों? क्योंकि अभी मान लिया गया है कि पार्टियां अपने लोगों को भारत रत्न का पुरस्कार देती हैं। जैसा आप देखा होगा, कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिलवाया ताकि उनका उस समय के इलेक्शन में फायदा ले सके, वैसे वो ले नहीं पाए थे। तो ऐसे अलग अलग पार्टियां जो है अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपना अपना पॉलिटिकल सिग्नल देने के लिए भारत रत्न को चुनाव करती हैं, ठीक है। तो जब भूपेन हजारिका को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2004 में चुनाव लड़े थे, और नानाजी देशमुख को, स्वर्गीय नानाजी देशमुख को, जो भारतीय जनसंघ के नेता और एक सोशल एक्टिविस्ट थे, जब इनको ये पुरस्कार देने का डिसीजन हुआ, तो इवोक्ड लिटिल सरप्राइज, इससे लोगों के मन में न के बराबर आश्चर्य हुआ, अर्थात बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन द च्वाइस ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, च्वाइस ऑफ यानी ये जो चुनाव था, किनका चुनाव? ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, फॉर्मर मीन्स पूर्व, ठीक है, यानी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का चुनाव था, सीम्ड टू हैव कार्ड, जब भी टू हैव हो तो हमेशा इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, सीम्ड टू हैव कॉट एवरी वन ऑफ गॉड, याद करें अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, कैच ऑफ गॉड मीन्स आश्चर्यचकित कर देना, समझ में नहीं आना कि ऐसा क्यों हो गया। फिर से देखें, कह रहे कि उन दोनों को जो पुरस्कार दिया गया वो समझ में आता, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, बट द च्वाइस ऑफ फार्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, लेकिन जो प्रणब मुखर्जी जी का चुनाव था इस पुरस्कार के लिए, सीम्ड टू हैव कॉट एवरीवन ऑफ गॉड, इसने मानो हर एक को क्या कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, उसको समझ में नहीं आया कि प्रणब मुखर्जी को क्यों दिया गया। एंड और ट्रिगर्ड फीवर्ड स्पेक्यूलेशन, ट्रिगर मीन्स शुरुआत करना, आरंभ कर देना किसी चीज को, ट्रिगर्ड फीवर्ड स्पेक्यूलेशन, और इसने शुरू क्या कर दिया, फीवर्ड स्पेक्यूलेशन, यानी इसकी वजह से लोगों के मन में कहीं कहीं बेचैनी भरी, व्यग्रता से भरी हुई स्पेक्यूलेशन, परिकल्पनाएं शुरू हो गई कि क्यों दे दिया गया, भाजपा ने प्रणब मुखर्जी क्यों दे दिया, सरकार ने क्यों चुन लिया, ये तमाम स्पेक्यूलेशन जो फीवर्ड स्पेक्यूलेशन रूप में हो गए, लोग बेचैन हो गए जानने के लिए, समझने के लिए, क्यों? क्योंकि इस पुरस्कार ने कैच एवरीवन ऑफ गॉड, हर किसी को क्या कर दिया था, आश्चर्यचकित कर दिया था, उलझा करके रख दिया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए यहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले द नहीं लगाए, पता है ना क्यों? क्योंकि हम नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, न कि केवल प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, हम पद की बात नहीं करें, नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डिस्क्राइब्ड हिम, हिम मीन्स यहां पे प्रणब मुखर्जी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिस्क्राइब्ड हिम, प्रणब मुखर्जी जी को डिस्क्राइब किया, उनका वर्णन किया, कैसे, एज, किस रूप में, एन आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन, आउटस्टैंडिंग मीन्स असाधारण, शानदार, बहुत अच्छे, एंड स्टेट्समैन मीन्स राजनेता, राजनीतिक, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रणब मुखर्जी जी कहा वो एक आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन रहे हैं ऑफ आवर टाइम्स, हमारे समय के, ठीक है।
आप एक रूल जो रेगुलरली एग्जाम्स में आपको दिया जाता है, कभी भी अगर आप डिस्क्राइब का प्रयोग करें, डिस्कस का प्रयोग करें, डिफाइन का प्रयोग करें, पोल्ट्री का प्रयोग करें, डिपिक्ट का प्रयोग करें, टर्म का प्रयोग करें और डिस्प्ले का प्रयोग करें, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, अगर आपको ये देना हो कि इस रूप में आपने पोल्ट्री किया, इस रूप में आपने डिपिक्ट किया, इस रूप में आप रिगार्ड करते हैं, इस रूप में आपने किसी को डिस्क्राइब किया, इस रूप में आपने डिस्कस किया, इस रूप में आपने डिफाइन किया, इस रूप में आपने टर्म किया, तो जिस रूप में आप कर रहे हैं उसके पहले हमेशा एस का प्रयोग करते हैं। एक और चीज आपको याद होगा जो रेगुलरली एग्जाम्स में दिया जाता है, कभी भी डिस्कस का प्रयोग करें, डिफाइन का प्रयोग करें और डिस्क्राइब का प्रयोग करें, इनके साथ कभी भी अबाउट का प्रयोग न करिएगा क्योंकि वो अर्थ इसी में छिपा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, डिस्कस, डिफाइन और डिस्क्राइब, इनका प्रयोग कभी भी आप ऐसे न करें क्योंकि ये गलत माना जाता है, अबाउट के साथ नहीं करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, करें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब्ड हिम एज एन आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन ऑफ आवर टाइम्स, यानी उन्होंने हमें कहा, मतलब उनके बारे में कहा कि वो हमारे समय के महान यानी शानदार राजनेता रहे हैं। वाइल एक तरफ मिस्टर मुखर्जीज सीनियरिटी, मिस्टर मुखर्जी की जो वरिष्ठता है एंड कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटी और राजनीति के प्रति उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, मीन्स उनका जो योगदान है, आर नॉट इन डाउट, इस पर किसी को भी शक नहीं, वो संदेह के दायरे में नहीं है। लेकिन द फैक्ट, लेकिन ये तथ्य, कौन सा तथ्य, दैट की ही एग्रीड टू स्पीक एट एन आरएसएस इवेंट, कि प्रणब मुखर्जी जी तैयार हो गए, सहमत हो गए आरएसएस के इवेंट पर बोलने के लिए। यहां ध्यान से देखें, आरएसएस के पहले एन लगा है, पता है क्यों लगा है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, आरएसएस, आ जहां भी अ आ ए ई ऊ ऊ ए ए जैसा कुछ होता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, तो आरएसएस जैसे है, एचडीओ है, एलएलबी है, एमए है, इनके पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो द फैक्ट, यानी ये सही कि पॉलिटी में उनका बहुत योगदान है, लेकिन द फैक्ट, ये तथ्य, दैट की ही एग्रीड टू स्पीक एट एन आरएसएस इवेंट, कि वह एक आरएसएस के इवेंट पे बोलने के लिए सहमत हो गए लास्ट ईयर, पिछले साल, ये सहमत होना उनका टू द बीम्यूज्ड डिसअप्रूवल ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जबकि कांग्रेस अस्तब्ध थी कि वो कैसे तैयार हो गए और कांग्रेस कतई इस चीज को अप्रूव नहीं कर सकती थी कि वो उस आरएसएस की शाखा के किसी प्रोग्राम में जाएं। वो उनका जो फैक्ट था, वाज हेल्ड आउट, माना गया एज अ रीजन, कि यही कारण है कि वो आरएसएस की उसमें गए थे प्रोग्राम में, तो यही कारण है कि भाजपा की सरकार ने प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न का क्या दिया है, पुरस्कार दिया, यानी माना जा रहा है इसी वजह से उनको पुरस्कार दिया गया क्योंकि आरएसएस की शाखा के प्रोग्राम में वो गए हुए थे। एंड मोर अनसिंपैथेटिकली, सिंपैथेटिकली जब किसी के प्रति आप सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं, अनसिंपैथेटिकली जब कोई सहानुभूति आपके मन में न हो, ठीक है, तो एंड मोर अनसिंपैथेटिकली, और यदि और बिना किसी लाग लपेट के कहा जाए तो कुड द अवार्ड हैव बीन अ पार्ट, ये क्वेश्चन है आपका, कुड द अवार्ड हैव बीन अ पार्ट, क्या ये अवार्ड एक हिस्सा हो सकता है ऑफ द बीजेपी स्ट्रेटजी, बीजेपी की इस रणनीति का, ऑफ एम्ब्रेसिंग ओल्ड कांग्रेस लीडर, कि जितने भी पुराने नेता हैं उनको अपना बनाते जाओ, इम्प्रेस करते जाओ, सच एज बल्लभ भाई पटेल, जैसे बल्लभ भाई पटेल जी थे, टू हाईलाइट, यानी बीजेपी ये हाईलाइट करना चाहती है इसके द्वारा, दैट की इट्स रियल अपोजिशन, कि उसका जो वास्तविक विरोध है इज टू द नेहरू गांधी फैमिली, वो किसी अन्य कांग्रेसी नेता से नहीं है, वो केवल नेहरू गांधी फैमिली से है। क्या ये प्रणब मुखर्जी जी को पुरस्कार दिया जाना इसी स्ट्रेटजी का कहीं कोई पार्ट तो नहीं हो सकता है, ये एडिटोरियल राइटर का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इट इज नो सीक्रेट, इसमें कोई रहस्य नहीं है, दैट की यानी किसी छिपा नहीं है कि मिस्टर मुखर्जी पॉलिटिकल एम्बिशंस, कि मिस्टर मुखर्जी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी वर थ्वार्टेड, वो कहीं कहीं शायद नाकाम हो गई थी एट वन पॉइंट, एक ऐसे बिंदु पर बाय हिज इनएबिलिटी,
क्योंकि वो असमर्थ थे टू ब्रेक द होल्ड ऑफ, होल्ड मीन्स यहां पे पकड़, यानी वो उस पकड़ को, होल्ड को ब्रेक नहीं कर पाए थे। कौन सी पकड़? ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इन द कांग्रेस, कांग्रेस में जो वंशवादी राजनीति रही है। यानी इट इज नो सीक्रेट, ये किसी छिपा नहीं है, दैट कि मिस्टर मुखर्जी पॉलिटिकल एम्बिशंस, मिस्टर मुखर्जी के जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रही हैं, वर थ्वार्टेड, वो नाकाम हो गई थी एट वन पॉइंट, एक जगत, एक बिंदु पर, बाय हिज इनएबिलिटी टू ब्रेक द होल्ड ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, क्योंकि वो वंशवादी राजनीति की पकड़ को खत्म नहीं कर पाए थे, रोक नहीं पाए थे इन द कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, वेदर आर नॉट, ये सच है या नहीं, क्या सच है या नहीं, कि समवन डिजर्व्स अ पर्टिकुलर ऑनर, कि कोई वास्तविक सम्मान, विशेष सम्मान डिजर्व करता है कि नहीं। डिजर्व करना किसी चीज का अधिकारी होना, यानी वो उसका अधिकारी है कि नहीं, ये इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, ये एक आसान प्रश्न नहीं है टू रिजॉल्व, जिसका क्या निकाल सके हम, समाधान निकाल सके। यानी वेदर आर नॉट समवन डिजर्व्स अ पर्टिकुलर ऑनर, यानी कोई वास्तव में सम्मान का हकदार है कि नहीं, इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, ये रिजॉल्व करना, समाधान निकालना, तय करना आसान नहीं है। आइडलाइज्ड लीडर्स, वो नेता जिन्हें देवताओं की तरह पूजा जाता है, आर इंटीग्रल टू द इमेजिनेशन ऑफ अ कम्युनिटी, आर इंटीग्रल मीन्स वो अनिवार्य हिस्से, अभिन्न हिस्से हैं टू द इमेजिनेशन ऑफ अ कम्युनिटी। यदि हम एक समुदाय की कल्पना करते हैं, यानी समुदाय की कल्पना अगर हम करते हैं, तो माना जाएगा कि समुदाय अपना एक नेता बना लेता जिसे देवता की तरह पूजता है वो। एंड आर्ग्यूएबली, आर्ग्यूएबली मीन्स यकीनन, वास्तव में, एंड आर्ग्यूएबली और यकीनन फॉर नेशन बिल्डिंग, और जो ये इंटीग्रल है किस चीज के लिए, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के लिए भी, राष्ट्र निर्माण के लिए भी ऐसे नेताओं को होना जरूरी है जिन्हें जनता अपने भगवान की तरह मानती हो। सच सेक्युलर राइट्स, इस तरीके के जो धर्मनिरपेक्ष हमारे संस्कार हैं, ऑफ वेनरेशन, किस चीज के, समर्पण के, श्रद्धा के, आदर के, सेट एन आइडियल, ये एक आदर्श स्थापित कर देते हैं दैट द कम्युनिटी, जिसकी जो समुदाय है, सेलिब्रेट्स, इस चीज की प्रशंसा करती है, इस चीज की खुशी मनाती है, एंड स्ट्राइव्स फॉर, और इसे पाने के लिए वो संघर्ष भी करती है, लालायित भी रहती है, किस चीज को, कि उसका कोई नेता हो जिसे वो देवता तुल्य दर्जा दे सके वो। दिस इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम द परस्यूट ऑफ पार्टीशन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, दिस इज ऑफ कोर्स डिफरेंट, ये वास्तव में अलग है, किस चीज से, देखिए डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगा हुआ है, यह वास्तव में अलग है फ्रॉम द परस्यूट ऑफ पार्टीशन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, किस चीज से, जब हम अनुसरण करते हैं किस राजनीति का, पार्टीशन, पक्षपाती राजनीतिक हितों का, यानी पक्षपाती राजनीतिक हितों का हम अनुसरण जो करते हैं, उससे डिफरेंट है, क्या, कि एक समुदाय आइडोलाइज्ड लीडर ले, अर्थात ऐसे नेता को ले ले जो नेता उसके लिए भगवान की तरह हो। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, ये जो प्रतिस्पर्धा की राजनीति है, has overshadowed, इसने कहीं कहीं मंदा कर दिया है, ढक लिया है द मैजेस्टी ऑफ द भारत रत्न, किस चीज के सम्मान को, किस चीज के यशगान को, यानी जो भारत रत्न की का यश है, उसका जो सम्मान, मैजेस्टी है, उसे overshadowed कर दिया है, धुंधला कर दिया है, हल्का कर दिया है। चलिए लास्ट पैसेज है आपका, द ऑनर टू मिस्टर, सॉरी, द ऑनर टू एम जी रामचंद्रन, ठीक है, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, समझते हैं आप, द ऑनर टू एम जी रामचंद्रन इन 1988, 1988 में जो एम जी रामचंद्रन जी को ऑनर दिया गया, इसका, भारत रत्न का, वाज वाइडली सीन, इसे किस रूप में देखा गया था, एज अ सीनिकल पॉलिटिकल मूव, कि यह एक कहीं कहीं शायद मनमानापूर्ण, सनकपन से भरा हुआ, या कहीं कहीं अपने हिसाब से चलने वाला पॉलिटिकल मूव था, मीन्स राजनीतिक कदम था, एहेड ऑफ एन इलेक्शन, जो कि इलेक्शन के पहले दिया गया था इन तमिलनाडु, ठीक है, अ प्रॉमिस टू
कॉन्फर द भारत रत्न, एक वायदा, कौन सा वायदा, टू कॉन्फर द भारत रत्न टू मदन मोहन मालवीय, कि मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया जाएगा, वाज मेड, ये वायदा किया गया था बाय मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी जी के द्वारा ड्यूरिंग द 2014 कैंपेन, जब वो 2014 में राजनीतिक चुनाव अभियान चला रहे थे, एंड और ही फुलफिल्ड इट, और उन्होंने इस वायदे को पूरा भी कर दिया सून आफ्टर कमिंग टू पावर, कम टू पावर में सत्ता में आना, जैसे वो सत्ता में आए उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न देने का, भारत रत्न पुरस्कार देने का वायदा फुलफिल भी कर दिया, पूरा भी कर दिया। क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स, यानी जो वादे होते हैं उस पर जो दावे होते हैं, फॉर द ऑनर है, यानी इस ऑनर के लिए जो क्लेम किए जाते हैं उनका जो विरोध किया जाता है, ये दोनों हैव बिकम पार्ट ऑफ एसर्शंस ऑफ पावर, ये दोनों अपनी शक्ति के स्वीकारोक्ति का एक माध्यम बन गया है बाय वेरियस ग्रुप्स, और किसी एक ग्रुप के द्वारा, आप किसी भारतीय जनता पार्टी पार्टी को ही दोष नहीं दे सकते, कांग्रेस हो कोई भी पार्टी हो, सबके लिए अपनी सत्ता के सुख भोग का माध्यम हो गया है कि अपने लोगों को भारत रत्न दे दो आप। द इमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल एलिट्स, यानी इमरजेंस मीन्स उद्भव, सामने आना, प्रकट होना, द इमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल एलिट्स, जो नए नए राजनीतिक ग्रुप आते हैं, समूह आते हैं, इज ऑफन, वो इमरजेंस के लिए इसका प्रयोग है, ध्यान रखिएगा, ये एलिट्स के लिए नहीं है। द इमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल एलिट्स, जो नए नए राजनीतिक दल आते हैं उनका जो आगमन है, इज ऑफन अकंपनीड बाई, अकंपनी के साथ देखिए बाई है पैसिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव में कभी नहीं लगता है, तो इज ऑफन अकंपनीड बाई अ क्लैमर, ये अक्सर एक शोरगुल के द्वारा इसके साथ होता है, फॉर ग्रेटर एक्सेप्टेंस, कि आप स्वीकार करें फॉर देयर लीडर्स, उनके नेताओं को इन द नेशनल रोल ऑफ ऑनर, यानी उन्हें नेशनल रोल दे दिया जाता है, यानी वो पार्टियां जो नई नई इमर्जेंस करती इमर्ज करती हैं, वो अपने नेताओं को राष्ट्रीय स्वीकृति देने की क्या करती हैं, कोशिश करती हैं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और डेमोक्रेटिक, एक जो लोकतांत्रिक प्लूरल कम्युनिटी मीन्स सामुदायिक समुदाय, मीन्स तमाम तरीके के लोगों से बना हुआ समुदाय हो, ऐसा समुदाय मस्ट रिजॉल्व दीज डिमांड्स, इस प्रकार की चीजों को निश्चय इनका समाधान निकालना चाहिए विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ, एंड सेंसिटिविटी, और संवेदनशीलता के साथ। चलिए, ये छोटा सा एक प्रयास है मेरा, ये आगे अभी एक पैसेज बचा हुआ है, सॉरी, देख लें, बट लेकिन दिस मस्ट नॉट लीड टू अ डिवैल्यूएशन ऑफ द ऑनर, दिस यानी जब आप नए नए राजनीतिक दल होते हैं, राजनीति में आते हैं, अपने अपने नेताओं को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले आने की कोशिश करते हैं, उन्हें भारत रत्न देते हैं, बट लेकिन दिस मस्ट नॉट लीड टू अ डिवैल्यूएशन ऑफ द ऑनर, डिवैल्यूएशन मीन्स गिरावट, यानी कतई आप ऐसा न करें कि इस सम्मान को क्या कर दें, आप गिरा दें, इसकी जो वैल्यू है उसे कम कर दें। ट्रांसपेरेंसी इज नॉट ईजी टू अचीव, मोदी जब आए थे उन्होंने कहा था हम एक पारदर्शी सरकार ले आएंगे, यही ना, तो ट्रांसपेरेंसी इज नॉट ईजी टू अचीव, पारदर्शिता को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, एंड और फेयरनेस इज डिफिकल्ट टू इस्टैब्लिश, और अच्छाई या हर चीज सही करना इतना आसान नहीं, इसे स्थापित करना, गिवेन, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि द कंट्राडिक्ट्री डिमांड्स, जो विरोधाभासी मांगे होती, जरूरतें होती हैं ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व की, एंड मैजेस्टी, और सम्मान की, यानी रिप्रेजेंटेशन और मैजेस्टी की विरोधाभासी डिमांड्स होती हैं, इसलिए फेयरनेस डिफिकल्ट ही एस्टैब्लिश करना, और ट्रांसपेरेंसी आसान नहीं है अचीव करना, प्राप्त करना, बट लेकिन अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज, यानी पूरी क्लास है, अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज, यानी अगर हम शुरुआत अच्छी करना चाहते हो तो इज टू डिसकंटिन्यू पोस्ट ह्यूमस अवार्ड्स, तो हम बंद कर दें, डिसकंटिन्यू कर दें क्या, मरणोपरांत पुरस्कार देना, इट इज अ स्लिपरी स्लोप, ये एक फिसलन भरा रास्ता है ऑफ आर्बिट्रेनेस, आर्बिट्रेनेस मनमानापन, यानी मनमानीपन का रास्ता आप किसी को भी दे देते हैं आप। आइडियाज एंड आइडियल्स यूनाइट डाइवर्सिटीज,
आइडियाज में समाज जो प्रतिमाएं होती हैं हमारी जो जिनको हम मानते हैं एंड आइडियाज जो हमारे आदर्श होते हैं यूनाइट डाइवर्सिटीज वो विविधता में भी एकता उत्पन्न करते हैं इन अ कम्युनिटी एक समुदाय में एंड और भारत रत्न और जो भारत रत्न पुरस्कार हैं मस्ट बी सेलेक्टेड इन्हें चुना जाना चाहिए विद दिस इन माइंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऑन दिस काउंट इस मसले पर एटलीस्ट कम से कम इस मसले पर द मोदी गवर्नमेंट्स लिस्ट मोदी गवर्नमेंट की जो लिस्ट है भारत रत्न देने वाले लोगों को देने वाले लोगों की वो लिस्ट विल बी कंटेस्टेड निश्चित ही उसका क्या किया जाएगा विरोध किया जाएगा ठीक तो ये प्रयास ये सारी जो मैंने कहा पिछले जो वर्ड्स थे कॉमन एरर्स थे उनके आंसर्स हैं ये अब की जो है जरूर इन्हें सॉल्व करिएगा फिर मुझे बताइएगा अगले एडिशन में मैं अगले सेशन में जरूर इनके मैं सॉल्यूशन दे दूंगा और ये सारी वर्ड्स और ये सारी वर्ड्स देख लीजिएगा ओके थैंक यू वेरी मच और प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलिएगा आपकी दिक्कतें हो शेयर करें मेरे साथ मैं जरूर ही आपसे आपके साथ बात करने की कोशिश करूँगा थैंक यू गुड नाइट